लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के लिए, और उस पर मैंने कल एग्जांपल भी कराए थे। और उसमें जो मेथड है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इंटीग्रेटिव फैक्टर दोनों मैंने बताया था। तो इसी सीरीज़ में जब हम आगे चलते हैं तो आज हम इंटीग्रेटिव फैक्टर देखेंगे कि किसी पॉलिनॉमियल फंक्शन जैसे होता है एक्स की पावर एन, ठीक है, तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ साथ इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि जब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हम इसमें एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ वो आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूले मतलब मोस्टली 90% क्वेश्चंस के अंदर वो जो हम प्रसार निकालेंगे एक्सपेंशन निकालेंगे वो यूज़ करके निकलेंगे। तो मैं जो फॉर्मूला लिखता हूँ वहाँ पर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, 1/(n)x, या फिर इसका जो हम एक्सपेंशन निकालेंगे या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1-x^-1। तो जब इसको इसका सीरीज निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1+x+(x²+x³), ठीक है। इस प्रकार से हम इसका सीरीज लिख सकते हैं जहाँ पे जो हमारा x होता है उसकी वैल्यू <1 होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ एक सीरीज़ और होती है 1/(1+x), जब इसका प्रसार हम निकालेंगे तो इसका प्रसार निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका जो प्रसार हो जाएगा 1-x+(x²-x³), इस प्रकार ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में हमने क्या यूज़ किया है कि जब हमारा 1-x^-1 होती है तो सारे जो टर्म्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और जब 1+x^-1 होती है तो जो टर्म होते हैं अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव होते जाते हैं। तो इन प्रसार का और इन एक्सपेंशन का यूज़ हम करेंगे और फिर हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। यदि हम एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं, जब भी हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना होगा हमें, तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है d³ + 3d² + 2d y=x। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे हमको इसके लिए इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो जो सॉल्यूशन होता है वो दोनों दो पार्ट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के हम क्या करते हैं, जो ऑपरेटर्स का जो पॉलीनोमियल होता है डी के अंदर, इसमें डी की जगह एम रख देते हैं और उसकी वैल्यू जीरो कर देते हैं। जैसे हम इसकी वैल्यू जीरो करेंगे तो जगह m³+3m² + 2m, ये हमारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो फैक्टर निकालेंगे हम, फैक्टर से या तो m कॉमन ले लेंगे, m² + 3m + 2, ओके। और फैक्टर करते हैं इसके, m² + m + 2m + 2 = 0, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे m और m+1 और m+2, ये हमारा फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। तो अब इसके अंदर जब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो m की जो तीन वैल्यू निकल के आती है, m = 0, -1 और -2, तीन वैल्यू निकल के आती है। इसके लिए हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1e^0x + c2e^-x + c3e^-2x, ये हमारे सॉल्यूशन निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, जो मेन हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे हम इसका, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हो जाएगा x², और उसको डिवाइडेड कर देंगे हम हमारा जो भी ऑपरेटर है d³+3d² + 2d, ठीक है। इसका हम यहाँ पे करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको यदि हम फैक्टराइजेशन करके लिखें, जैसे हमने लिखा था x² + d + 1 और
अपने फॉर्म में इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गौर करने की बात यह है कि अभी जो हमने जो फॉर्मूले लिए थे उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमको इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने जो फॉर्मूले यूज़ किए थे वो मैं बता देता हूँ एक बार। फॉर्मूले हमारे थे, एक था 1/1 - x का एक्सपेंशन किया था और एक क्या था 1/1+। इन दोनों में से देखना हमको कौन से फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा इसको 1/1+x के फॉर्म में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं इसको एक्स 1/d, एक को लिख सकते हैं 1+d और एक को लिख सकते हैं 2+d और ये अप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर। इसको जब ऐसे लिखते हैं तो हम यहाँ से गौर से देखते हैं कि जो 1/1+d है वो तो 1/1+x के फॉर्म में है। जब 1/2+d को देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा कुछ कमी है, तो इसको यदि हम 1+ के फॉर्म में लेके आते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लेते ही हो जाएगा 1/2d और 1/1+d और 2 कॉमन लेंगे जैसे तो हो जाएगा 2 कॉमन लेते हैं 1+d/x स्क्वायर। ये इस फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये भी 1/1+x के फॉर्म में है और ये भी 1+x के फॉर्म में आ गया। तो जैसे हम 1/1+x का जो प्रसार लगाते हैं तो 1/1+x का प्रसार लगाएंगे यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था 1/1+x का जो प्रसार करते हैं तो उसके अंदर जो टर्म्स आती हैं वो आती हैं अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आती हैं। ठीक है, जब अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आएंगी यहाँ पे तो यहाँ से हम देखते हैं जब 1/2d बाहर चल रहा है, जब हम करेंगे 1/d+1 का करेंगे तो 1/d+1 का करेंगे तो यहाँ से इस प्रसार को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे 1 - d + d² - d³ ऐसे चलता जाए। हमको कुछ टर्म्स ही लिखनी है और उसके साथ साथ जब 1/1+d+2 के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगी और ये हो जाएगी 1 - d/2 + d² और ऐसे माइनस ऐसे आगे चलती जाएगी। ठीक है, और ये सब सारे ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं एक्स स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हमको कितनी टर्म्स यहाँ पे एक्सपेंशन की लेनी है वो डिपेंड करेगा हमारे फंक्शन किस पे वो अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये अप्लाई हो रहे हैं एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो हमको मैक्सिमम टर्म्स कहाँ तक लेनी है, डी स्क्वायर तक की मैक्सिमम टर्म्स लेनी है। लेकिन क्यों, क्योंकि जैसे हम डी क्यूब पे जाएंगे तो डी के आगे एक ऑपरेटर है तो वो एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होता है वो जीरो दे देगा। तो मतलब डी क्यूब और डी क्यूब के आगे वाले सारे टर्म इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो दे देंगे। तो हमको डी स्क्वायर की टर्म्स लेनी है। तो हम यहाँ से देखते हैं 1/2d बाहर, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 देगा, तो ये d और d क्यूब से d और d स्क्वायर से नीचे। अब ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा -d/2 से तो ये भी हमारा d स्क्वायर से नीचे, तो ये भी हम टर्म ले लेंगे। जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा d² / d/2² तो ये d स्क्वायर वाला टर्म देगा, उसको भी हमको रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + d² / 4। लेकिन जैसे 1 आगे मल्टीप्लाई होगा तो डी क्यूब वाली टर्म आ जाएंगी, वो हमको छोड़ देंगे। और इसी तरह जब डी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी दे देगा -d, तो ये भी हमको लेनी है। अब ये डी इससे मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगी +d² / 2, तो ये भी हमको लेनी है। अब ये डी फिर जैसे डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो डी क्यूब आ जाएगा, उसको छोड़ देना है। अब ये जो डी स्क्वायर है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर, तो इसको हमको रखना है। अब ये डी स्क्वायर फिर आगे d/2 से मल्टीप्लाई होगा तो डी क्यूब वाली टर्म से देगा, उसको छोड़ देनी है। तो हमारी जो टर्म्स आ गई हैं वो 1d और डी स्क्वायर के टर्म्स यहाँ आ गई हैं, इसको रखनी है। और ये जब मल्टीप्लाई ये जब अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के ऊपर तो इसको एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो अभी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/2d 1। अब यहाँ पर डी वाली टर्म में 1, 2, -3/2d हो जाएगी। डी स्क्वायर के टर्म्स हैं 1, 2, 3, तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा d² + 2d² और ये जाएगा 4d², ये साथ में x² के ऊपर। तो ये हमारे सारे टर्म्स आ गए। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से हम देख सकते हैं
कि 1/2D बाहर चल रहा है और अंदर ये जगह 1-3/2D और अंदर जो है ये जगह 4, 5, 6, 7, 7/4D² और ये x² अब हम बारी बारी से इन ऑपरेटर्स को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब अप्लाई कर देंगे तो d/2D हो जाएगा ये हो जाएगा 1x² से x² -3/2 और ये d जब x² पे अप्लाई होगा तो x² का डिफरेंशिएशन कर देगा तो 2x हो जाएगा और प्लस 7/4 और जैसे d² x² पे अप्लाई होगा तो x² का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा फिर 2x एक बार और करेंगे तो 2 आ जाएगा तो (2) ये हमारा निकल गया ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 2d अभी नीचे भी चल रहा है तो अंदर ऐसे लिख लेंगे इसको ये हो जाएगा x² - 3x + 14/7/ अब देखिए यहाँ पे जो 1/d जब d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन तो 1/d क्या है एक बार इंटीग्रेट कर देगा तो ये जाएगा 1/2 x² का इंटीग्रेशन x³/3 x का इंटीग्रेशन 3/2x² और 7 का 7x/2 ये हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा निकल के ठीक है। तो यहाँ से हमने दिखाया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया जब किसी पॉलीनोमियल x² के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हम इसमें और कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमने एक एग्जांपल देख लिया है अब इसमें हम आगे चलते हैं एक दूसरा एग्जांपल। ये एग्जांपल है इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और पॉलीनोमियल फंक्शन भी है तीनों टाइप के फंक्शन है और इसमें मिक्स एग्जांपल है तो इसमें हम देखते हैं आगे कि यदि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा ये ऑक्सिलरी इक्वेशन की d² + 1 = 0 m² + 1 = 0 और यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आ जाएंगे वो आ जाएंगे m = ±i ठीक है। इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो बनेगा e^0x क्योंकि यहाँ पे जो रियल पार्ट है इसका 0 है (c1cos x + c2) ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा e^-x + cos x + x³/d² + 1 ठीक है। अब जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फंक्शन तीनों के लिए अलग अलग हमको निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं e^-x/d² + 1 के लिए हम निकाल के देखते हैं ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था e^x में क्या करना होता है कि e^x में जो x का जो कोफिशियंट है -1 तो उसको क्या करेंगे d की जगह हम रख के देखेंगे और रखेंगे देखेंगे नीचे वाली टर्म 0 हो रही है नहीं तो -1 को जब हम यहाँ रखते हैं नीचे तो -1² क्या हो जाएगा 1, 1, 2 तो ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही नीचे 0 नहीं और तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा e^-x/(1+1) तो ये हो गया e^-x के लिए। अब हम देखते हैं cos x/(d² + 1 इसमें देखते हैं तो मैंने cos और sin के लिए आपको बताया था कि हमको क्या रखना होता है d² की जगह -a² रखना होता है तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो हम क्या रखेंगे d² की जगह रखेंगे -1² = -1 तो जैसे हम d² की जगह -1 रखते हैं तो -1 और 1 0 हो रहा है ठीक है तो नीचे 0